सभी को जय हिंद और नमस्कार। आज हमारे बीच उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल रशीम बाली जी, मेजर जनरल पीके मिश्रा जी और मुझे बहुत खुशी है कि श्री सुनील शरण भी यहाँ पर उपस्थित है, जिन्होंने 26/11 के मुंबई पर हुए हमले के समय एनएसजी की जिस टीम ने बहुत बहादुरी से कार्य किया था, उस टीम का नेतृत्व उन्होंने किया था। यहाँ पर उपस्थित मेरे साथी श्रीकांत भारतीय जी, सभी सेना के प्रमुख अधिकारीगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से यहां पर आया हूं और छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वराज्य की स्थापना की, मैं उन्हें नमन करता हूं और साथ साथ हमारे संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्हें भी मानवंदना अर्पित करता हूं। आज का यह दिन है जब हम हमारे सभी स्वाधीनता सेनानियों को याद करें, स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने शहादत दी, ऐसे सभी नायकों को हमारी आदरांजलि पेश करें और साथ साथ स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र रखने के लिए हमारे जिन जवानों ने हमारी सीमाओं को मजबूत रखा और जब भी देश को जरूरत थी तो तिरंगे की आन बान और शान इसको ऊंचा रखने के लिए जिन्होंने शहादत दी, ऐसे सभी हमारे सेना के जवान और अफसर, इनको भी आज के इस मौके पर मैं अभिवादन करता हूं। त्रिशूल डिवीजन में यहां पर आने के बाद मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे विष्णु पुराण में यह कहा गया है कि विश्वकर्मा ने सूर्य के अंश से त्रिशूल को निर्मित किया था और बाद में उसे भगवान शिव को सौंप दिया था, इसीलिए त्रिशूल ये उत्पत्ति स्थिति और लय का प्रतीक है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे इस त्रिशूल डिवीजन ने भी इसी प्रकार से लगातार जिस प्रकार का शौर्य आज दिखाया है और बहुत ही कठिन परिस्थिति में, चाहे वो द्रास हो, कारगिल हो, पटालिक हो, गलवान घाटी हो, ऐसे जगह जहां पर मनुष्य को सांस लेना मुश्किल है, ऐसी जगह पर लगातार अपने शौर्य से भारत का परचम लहराने का जो काम हमारे त्रिशूल के सेनानियों ने किया है, मैं आप सभी को वंदन करता हूं। जैसा हम सभी जानते हैं कि इस डिवीजन ने 150 वीरता पुरस्कार प्राप्त किए हैं। 1962 के युद्ध के दौरान इसे स्थापित किया गया था और उस समय 13 कुमाऊं के मेजर शैतान सिंह और 18 GR के मेजर धान सिंह थापा, इन्होंने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया,
उसके लिए उन्हें सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1991 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान नायब सूबेदार बाना सिंह को पाकिस्तान की कैद पोस्ट पर कब्जा करने के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। 1999 में ऑपरेशन कारगिल के दौरान बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान के लिए 111 जीआर के कैप्टन मनोज पांडे को परमवीर चक्र प्रदान किया गया। और 2020 में भी इस डिवीजन के शेरों ने गलवान घाटी में चीनी घुसपैठियों को बड़े शौर्य के साथ पीछे ढकेलने का काम किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी भारतीय सेना में जिन पर हमको नाज है, जिन पर हमको गौरव है, ऐसे इस त्रिशूल डिवीजन में आज आने का अवसर मिला, ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। और मुझे ये भी ज्ञात हुआ कि शून्य के नीचे जब तापमान था, ऐसे समय 14,500 फीट ऊंचाई पर त्रिशूल डिवीजन ने सैनिकों के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की, मैं ऐसा मानता हूं ये भी अपने आप में एक साहस है और विश्व के सामने हमारी ताकत का भी एक ये परिचायक है। आज हम लोग देखते हैं कि भारत की सेना सम्मान और संप्रभुता में और उसकी रक्षा में यह डिवीजन लगातार प्रतिबद्ध है और ऐसे इस डिवीजन में ये जो त्रिशूल वॉर मेमोरियल हो रहा है, ये म्यूजियम हो रहा है, इससे जुड़ने का अवसर महाराष्ट्र को मिला, महाराष्ट्र की सरकार को मिला, इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। मैं इसके लिए त्रिशूल डिवीजन को तो धन्यवाद दूंगा ही, पर साथ साथ आभार व्यक्त करूंगा हमारे साथी श्रीकांत भारतीय जी का, जिन्होंने एक दूत के रूप में त्रिशूल डिवीजन और महाराष्ट्र सरकार को साथ में लाया। और ये प्रस्ताव हमने हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के सामने जब रखा तो उन्होंने तुरंत ये कहा कि इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो ही नहीं सकता और सरकार ने तुरंत इसको मान्यता दी। और आज हम लोगों ने इसका शिलान्यास भी यहां पर किया है। इसकी रचना भी बहुत सुंदर है, त्रिशूल की तरह इसकी रचना है और मेरा विश्वास है कि यहां आने के बाद जहां एक और हमारे शहीदों को नमन करके उनसे हम ऊर्जा पाएंगे, वहीं हमारे त्रिशूल डिवीजन के माध्यम से जो कार्य चलते हैं, जिस प्रकार का शौर्य दिखाया जाता है, जिस प्रकार के ऑपरेशंस किए जाते हैं या किए गए हैं, उसमें इस्तेमाल की हुई जो सामग्री है, सिविलियंस के लिए एक बहुत ही उत्कंठा का विषय होता है कि किस प्रकार से हमारी सेना काम करती है। और मैं मानता हूं कि इस म्यूजियम के माध्यम से वो सारी चीजें हमारी सेना की सिविलियंस के पास, हम लोगों के पास पहुंचेगी। और विशेष रूप से चूंकि मनाली के हाईवे पर यह है, तो मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में भी ये डेवलप होगा और लोग निश्चित रूप से यहां पर आकर प्रेरणा पाएंगे। आज हम लोग देखते हैं कि हमारा भारत देश जिस तेजी से विकसित हो रहा है, मिशन चंद्रयान 3 इसने भारत को एक स्पेस पावर के रूप में प्रस्थापित किया है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनके नेतृत्व में जिस प्रकार से लूनर मिशन तो हमारे
जो वैज्ञानिक है इन्होंने यशस्वी किया। अब हमने सोलर मिशन भी शुरू किया है और मेरा विश्वास है कि 120 दिन बाद जब ऑर्बिट में आदित्य एलवी वन पहुंचेगा तो एक नई ऊंचाई भारत को स्पेस मिशन में मिलेगी। और वैसे भी बहुत ही चंद देश है जो ये कर पाए हैं और विशेष रूप से भारतीयों के लिए सबसे गर्व की बात है कि चंद्र के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत ये पहला देश है और इससे हम सभी का सिर निश्चित ही ऊंचा हुआ है। आज हम लोग देखते हैं जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अभी अभी हमारे बच्चों ने बहुत सुंदर हमारे सामने एक कार्यक्रम पेश किया, देशभक्ति से पूरा ऐसा कार्यक्रम हमारे आर्मी स्कूल के बच्चों ने, उनको तो मैं बधाई देना ही चाहता हूं। लेकिन उन्होंने जिस ब्रिटिश एम्पायर की का पिक्चर हमारे सामने रखा, उस ब्रिटिश एम्पायर को हमारे कॉलोनियल आकाओं को भी पीछे छोड़कर अब हमारी अर्थव्यवस्था उनसे भी आगे चली गई और हम दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और 2030 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं अमृत काल में अगले 25 वर्षों में 2047 में एक विकसित भारत देखने का सौभाग्य हम भारतीयों को मिलेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि ये भी हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज हम देख सकते हैं जिस प्रकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत ने बढ़त हासिल की है। एक समय मिलिट्री इक्विपमेंट में नेट इंपोर्टर इस प्रकार से जिस भारत की छवि थी, उस भारत ने अब मिलिट्री इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ी पहल की है और इंपोर्टर से अब हमारा दर्जा एक्सपोर्टर की ओर चला गया है और करीब हम लोगों ने 1,00,000 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में करके एक नया रिकॉर्ड तैयार किया है। तो आज हम लोग दूसरे देशों पर हमारे सैनिकों के लिए, हमारे सैन्य के लिए, हमारे सैन्य इक्विपमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहे हैं। हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट इस प्रकार की फ्रिगेट शिप मजगांव डॉक से, जिस समय उपराष्ट्रपति जी ने उसको लॉन्च किया, तो उसमें जो प्रौद्योगिकी हमने देखी, स्टेट ऑफ आर्ट दुनिया के किसी भी उच्चतम देश की प्रौद्योगिकी से मुकाबला करने वाली प्रौद्योगिकी और तकनीक उसमें हमको देखने को मिली, तो मुझे लगता है कि ये नए भारत का एक चित्र हमको देखने को मिलता है। लेकिन ये नया भारत जो आज बढ़ रहा है, आज जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर तैयार हो रहा है, अंतिम छोर तक सड़कें बन रही है, पासेस बन रहे हैं, हमारे सेना की आवाजाही के लिए व्यवस्थाएं खड़ी हो रही है, नागरिकों की आवाजाही के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में हम लोग पासेस बना रहे हैं, पुलिया बना रहे हैं, अंडर पासेस बना रहे हैं, हम लोग आज रेलवे का नेटवर्क ले जा रहे हैं। और ये सारी चीजें क्यों हम कर सकते हैं, तो इसका एक कारण है कि भारत ने दुनिया में एक ऐसी पोजीशन आज बनाई है कि भारत की ओर आज टेढ़ी आंख कोई कर नहीं सकता। हमारी सेना ने अपनी ताकत के भरोसे दुनिया को ये दिखाया है कि ये मजबूत भारत है, ये आवश्यकता पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है, ये एयर स्ट्राइक भी कर सकता है और गलवान घाटी में चीनियों को खदेड़ने की ताकत भी यही भारत रख सकता है। ये जो आज भारत की अवस्था
हमारे सैनिकों ने, हमारे सेनानियों ने तैयार की है, इसी के कारण भारत आज प्रगति कर रहा है। और मेरा विश्वास है G20 की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा मकाम दिलाया है कि किसी भी देश को भारत की प्रगति की ओर देखकर आश्चर्य भी होता है, वो अचंभित भी होते हैं और इससे प्रेरणा भी पाते हैं। तो मेरा विश्वास है कि इसी प्रकार से हमारी सेनाएं भारत का रक्षण करेगी, एक मजबूत और दुनिया के सिरमौर के रूप में भारत जो प्रगति कर रहा है उसमें आपका योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, वो आगे भी रहेगा। मैं फिर एक बार हमारे त्रिशूल डिवीजन को, उसके सारे अफसर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये मौका हमको दिया। महाराष्ट्र को लद्दाख के साथ जोड़ने का ये जो कार्य आपने किया है, इसके लिए तमाम महाराष्ट्र के 12 करोड़ महाराष्ट्रवासियों की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको इससे आगे जाकर आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस कार्य में हमने राशि तो दी है, लेकिन इसमें कुछ आवश्यकताएं बढ़े, कुछ काम और भी ज्यादा हो तो आप बेहिचक हमें बताइए, उसमें भी कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें बहुत हर्ष होगा। और मेरा विश्वास है जल्दी ही जब हम इसको पूरा करेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी भी यहां पर आएंगे और वो दिन भी हमारे लिए गौरव का दिन होगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय लद्दाख।